देखिए टम्परेचर को क्या करिए, कांस्टेंट रखिए, ओके। तब क्या कहता है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वॉल्यूम होगा। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये किसका नियम है, ये बॉयल्स का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉयल्स का। अगर टम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉयल का। तो निश्चित तौर पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके किसका द्रव्यमान गैस का द्रव्यमान किसका द्रव्यमान किसी गैस के द्रव्यमान का प्रेशर और उसी गैस का आयतन क्या होता है, आपस में अपोजिट होता है, तो बॉयल का नियम कहलाता है, ओके। बॉयल का नियम कहलाता है। निश्चित ताप पर, निश्चित ताप मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए उस पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान दाब का उसके आयतन का अपोजिट होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है, बॉयल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉयल का नियम कहलाता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखेंगे तो बॉयल का नियम कहलाएगा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। पी प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ओके। तो ये बॉयल का नियम कहलाता है। और चार्ल्स का नियम क्या है, वो रखा था किसको, प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। चार्ल्स ने किसका कांस्टेंट रखा था, प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। तो दिए हुए ताप की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है, ये किसने कहा था, बॉयल ने कहा था। करा दिए हुए गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रेशर का मान हमेशा नियत रहता है। दिए हुए ताप की एक निश्चित मात्रा मतलब जो उसका वॉल्यूम है वो क्या होता है, प्रेशर भी नियत होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। तो किसने कहा, बॉयल ने किया। बॉयल ने कहा था कि ताप पर, एक दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है, ठीक है, यानी निश्चित जो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी का फिक्स होता है, निश्चित मात्रा निश्चित दाब के लिए नियत रहता है। निश्चित दाब, निश्चित मात्रा निश्चित प्रेशर का मान नियत रहता है। निश्चित दाब निश्चित क्वांटिटी का मान क्या होता है, फिक्स होता है। यह नियम कौन कहलाता है, बॉयल का नियम कहलाता है। निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान, निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान, निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहेगा, यह बॉयल का नियम कहलाया। स्थिर ताप पर किसी गैस का, देखिए स्थिर ताप पर बोला है गैस का आयतन कम करने पर उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होता है, बढ़ता है, बॉयल के नियम के अनुसार। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, ये बॉयल का नियम कहलाता है। जो बॉयल का नियम ये भी कहलाता है कि निश्चित एक मात्रा है, अगर निश्चित मात्रा है तो प्रेशर भी उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, निश्चित होगा। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब बोला है किसका, बोला प्रेशर अब कांस्टेंट रहना है, ठीक है। तबर क्या था, तबर टेम्परेचर कांस्टेंट था तो बॉयल का था, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स का नियम होगा, किसका नियम होगा, चार्ल्स का नियम होगा। स्थिर दाब पर अगर ये यानी प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखना है, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तब गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यानी परम गैस का जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के समानुपाती होगा, ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा टेम्परेचर के समानुपाती होगा, वॉल्यूम जो होता है परम ताप के समानुपाती होगा। चार्ल्स का नियम कहता है अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखिएगा तब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बॉयल्स के अनुसार, जबकि प्रेशर को आप कांस्टेंट रखते हैं तब कहता है आयतन टेम्परेचर के क्या होगा, समानुपाती होगा, टेम्परेचर जो होगा वॉल्यूम के समानुपाती होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ओके। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा,
ओके, प्रेशर कांस्टेंट रहने पर तो वॉल्यूम बढ़ेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, ये चार्ल्स का नियम है, प्रेशर कांस्टेंट रखना ये चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम है जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना बॉयल का नियम है। ओके, तब जाके वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा चार्ल्स के अनुसार। समान दाब और ताप, यानी समान दाब और ताप रहेगा तब गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किसने कहा था, एवोगाड्रो ने कहा था। तथा अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों फिक्स हो, ओके, तब गैसों के समान आयतनों में गैस का जो बाय द वे इतना हम गैस फिक्स किए, तब इसमें अणुओं की संख्या समान होगी। ओके, आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। आयतनों में अणुओं की संख्या यानी वॉल्यूम में क्या होगा, अणुओं की संख्या समान होगी। आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होगी समान होगी। एवोगाड्रो लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, एवोगाड्रो लॉ। आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होगी समान होगी। एवोगाड्रो लॉ कहलाता है। समान दाब और ताप ये दोनों ही समान है तब गैसों के आयतनों में अणुओं की संख्या समान होगी। आयतन जो होगा यानी वॉल्यूम देगा, उसमें जो अणु होगा वो समान होगा। ओके, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी, उसमें मॉलिक्यूलर जो होगा वो समान होगा। ओके, अणुओं की संख्या समान होगी। ये है अणुओं की संख्या और ये क्या है, गैसों के समान आयतन है तब अणुओं की संख्या समान होगी। गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है तब ये कहलाता है एवोगाड्रो लॉ। ओके, समान दाब पर और ताप पर, यानी समान दाब और ताप हो तब गैसों के जो आयतन होगा वो अणुओं की संख्या समान होगी। क्या कहलाता है, एवोगाड्रो लॉ कहलाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर वह 3/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका आयतन भी 3/3 हो जाएगा। ओके, स्थिर ताप पर बोला है ना, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसने रखा था, बॉयल ने रखा था, तो प्रेशर क्या होता है 3 गुना कर दे तो वॉल्यूम क्या होगा, 3 गुना तिहाई होता है। अगर 3 गुना रखेंगे तो 3/3 ये भी हो जाएगा, तो उसका आयतन 3/3 हो जाएगा। एनटीपी पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। NTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा कितना 22.4 लीटर। NTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा 22.4 लीटर। गैसों के विषण का नियम किसने प्रतिपादित किया था,
गैसों के विषयन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने किया था। किसने किया था? ग्राहम ने किया था। और एवोगाड्रो ने बोला था कि अगर समान इसका वॉल्यूम है तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समान होगा। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा समान होगा, ये एवोगाड्रो ने बोला था। ओके, चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और बॉयल ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। बॉयल ने किसको कांस्टेंट रखा था? टेम्परेचर को। गैसों के विषरण माने एक्सपेंशन। गैसों के विषरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने किया था। गैसों के विषरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने। गैसों के विषरण को किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने। गैसों के विषरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने। गैसों का विषरण किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने किया था। गैसों के विषरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने किया था। एक गैस विषरण के दर क्या होते हैं? गैसों के विषरण का द्रव्यमान क्या होता है? अणुभार का वर्गमूल और उसको व्युत्क्रमानुपाती करना होगा। ओके, अणुभार का वर्गमूल करना होगा और उसका व्युत्क्रमानुपाती करना होगा। निश्चित ताप और दाब दोनों निश्चित है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, तब विभिन्न गैसों के विषरण के अपेक्षित वेग जो वेलोसिटी होगा, ओके, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ वर्गमूल। ओके, डेंसिटी के वर्गमूल के विपरीत अनुपात होता है। अपेक्षित निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विषरण को अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। जो वेलोसिटी होगा उनके डेंसिटी के वर्गमूल के विपरीत, वेलोसिटी जो होगा डेंसिटी के वर्गमूल के विपरीत, डेंसिटी के वर्गमूल के विपरीत होगा। ये अपेक्षित वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी जो होगा डेंसिटी के वर्गमूल के विपरीत होगा। ये किसने कहा था? ग्राहम ने बोला था। ठीक है, वेलोसिटी जो होगा डेंसिटी के वर्गमूल के विपरीत होगा किसने बोला था? ग्राहम ने बोला था। वेलोसिटी जो होगा उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होगा, या किसने बोला था? ग्राहम ने बोला था। चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। ओके, जो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर किया था चार्ल्स ने, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम किया था बॉयल्स ने। और एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। गैसों के विषरण की दर और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? R1/R2 √D2/D1 होगा, D2/D1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन पर हैं अभी। क्या पर हैं? अब इनवर्सली प्रोपोर्शन पर है। अगर R1 है तो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी होगा, तो उसी प्रकार R2 होगा तो निश्चय करिएगा तो अपोजिट हो जाएगा D2। ओके, तो ये गैसों का विषरण का दर हो गया R1/R2 √D2/D1 R के अपोजिट क्या होगा D2 होगा R1/R2 √D2/D1 अंडर रूट। ये किसका होगा? गैसों के विषरण का रेट है। गैसों के विषरण यानी गैसों के फैलने का जो रेट है, यानी फैलने का जो रेट होगा यानी वेलोसिटी जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। ओके, यानी गैसों का विषरण का फैलने का जो दर है D1 √D2 = R2/R1। ठीक है,
और डेंसिटी जो होगा अंडर रूट में होगा, वर्गमूल में होगा। ओके, आर वन बटा आर टू इजकल टू डी टू बाई डी वन अंडर रूट में होगा। ये गैसों के विषम का दर है, फैलने का दर है, यानी वेलोसिटी है फैलने के, गैसों के विषम, गैसों के विषम फैलने का दर है, गैसों के विषम का दर है, रेट है, गैसों के विषम का रेट है। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है, वायु से हल्की गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन या अमोनिया, अमोनिया होती है। वायु से हल्की गैस अमोनिया होती है, वायु से हल्की गैस कौन सी होती है, अमोनिया होती है। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है, अमोनिया होती है। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है, अमोनिया होती है। वायु से हल्की गैस अमोनिया, वायु से हल्की गैस अमोनिया होती है। वायु से हल्की गैस अमोनिया, वायु से हल्की गैस अमोनिया, वायु से हल्की गैस, वायु से हल्की गैस अमोनिया, वायु से हल्की गैस कौन सी होती है, अमोनिया होती है। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है, अमोनिया होती है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगा, देखिए प्रेशर उसका कम रहना चाहिए और ताप उच्च रहना चाहिए, यानी निम्न दाब उच्च ताप होना चाहिए। वास्तविक गैस किस परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करता है, यानी आइडियल गैस जैसा व्यवहार करेगा। वास्तविक गैस जो रियल गैस होगा आदर्श गैस जैसा कैसा व्यवहार करेगा, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तब ये आदर्श गैस का पहचान है। आदर्श गैस का पहचान क्या है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा, आदर्श गैस का केस क्या है, रियली गैस का, रियल गैस का क्या परिस्थिति है, निम्न दाब उच्च उच्च टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा। आदर्श गैस का व्यवहार क्या है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा। आदर्श गैस का व्यवहार क्या है, रियल गैस का, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा। आदर्श गैस का व्यवहार क्या है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होना चाहिए। रियल गैस का पहचान है, रियल गैस का पहचान क्या है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, रियल गैस का पहचान क्या है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाता है, यह विषरण का नियम कराता है। ओके, विषरण का फॉर्मूला होता है आर वन बटा आर टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का वर्गमूल, यानी आर वन के अपोजिट क्या होगा, डी टू वर्गमूल होगा अंडर रूट में। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में के विरोध परस्पर घुल मिल जाने से स्वभाव की प्रक्रिया क्या कराती है, गैसों का विषम कराता है, गैसों का विषम कराता है। घनत्व में अंतर है, डेंसिटी में अंतर है सभी गैसों का, ठीक है, फिर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा कर के भी, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा कर के भी गैस क्या हो जाता है, आपस में एक दूसरे से मिल जाता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब आपस में मिल जाता है ना। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड ये सब आपस में मिल जाता है, ये गैसों का विषम कराता है। एक गैस का वाष्पन घनत्व कितना, 14 है, उसका अणुभार कितना होगा, तो 28 होगा। देखिए वाष्पन घनत्व तो बोला है ना, वाष्पन घनत्व यानी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट टू इन टू एन, यानी एन जो होगा अणुभार होगा या मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे, ठीक है, अणुभार कहते हैं एन को, क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर वेट टू इन टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी डेंसिटी डेंसिटी का फार्मूला होता है टू इंटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी अनुभार, टू इंटू डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, टू इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब अनुभार, मॉलिक्यूलर वेट मतलब अनुभार, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, टू इंटू मॉलिक्यूलर वेट, टू इंटू मॉलिक्यूलर वेट, टू इंटू मॉलिक्यूलर वेट, टू इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, टू इंटू मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, टू इंटू मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टू इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है, टू इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है। गैसों का वाष्पन घनत्व क्या होता है, टू इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व पर कितना होता है,
तो दोगुना होता है, क्या होता है दोगुना। अभी बोले थे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × मॉलिक्यूलर वेट यानी अनुभार दोगुना होगा। मॉलिक्यूलर वेट को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं अनुभार। गैसों के विसरण नियम का प्रयोग होता है समस्थानिकों को अलग रखने में, हाँ होता है। गैसों के घनत्व घनत्व के निर्धारण करने के लिए, हाँ। गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण के लिए क्या है, हाँ। गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए, हाँ इनमें से सभी होगा। गैसों के विसरण का नियम कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, गैसों के विसरण का नियम, गैसों का विसरण का नियम, गैसों के विसरण का नियम का प्रयोग करते हैं समस्थानिकों को अलग रखने के लिए, समस्थानिकों को अलग, समस्थानिकों के अलग, समस्थानिकों के अलग रखने के लिए, समस्थानिकों को अलग रखने के लिए गैसों का विसरण का प्रयोग किया जाता है। ओके, गैसों के विसरण का नियम का प्रयोग किया जाता है समस्थानिकों को अलग, समस्थानिकों को अलग रखने, जैसे हाइड्रोजन का 3 होता है ना समस्थानिक, उसको अलग रखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है विसरण नियम। तो समस्थानिकों को अलग रखने, समस्थानिकों को अलग रखने के लिए गैसों का विसरण का नियम प्रयोग करते हैं। दूसरा है गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण के लिए, गैसों का जो वाष्पन घनत्व जो है उसको निर्धारण करने के लिए करते हैं, ठीक है। गैसों का वाष्पन घनत्व कितना है उसका निर्धारण करने के लिए करते हैं गैसों का वाष्पन घनत्व निर्धारण करने के लिए करते हैं कि उस एरिया में कौन सा गैस कितना है। तो गैसों का वाष्पन घनत्व निर्धारण करने के लिए करते हैं विसरण नियम। गैसों के वाष्पन निर्धारण करने के लिए गैसों के वाष्पन घनत्व का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। गैसों के मिश्रण को अलग अलग किया जाता है इसी से विसरण नियम द्वारा, गैसों को अलग अलग किया जाता है विसरण नियम द्वारा, गैसों को अलग अलग किया जाता है गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए किया जाता है तब ये ग्राहम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। गैसों के मिश्रण को अलग अलग करना है तब ग्राहम का नियम प्रयोग करेंगे, गैसों के मिश्रण को अलग अलग करना है तो ग्राहम का नियम करेंगे। गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण के लिए क्या आता है, गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण के लिए गैसों का वाष्पन घनत्व वहाँ पर कितना है, गैस का वाष्पन घनत्व कितना होता है वो उसका भी नियम प्रयोग किया जाता है। गैसों के विसरण नियम समस्थानिकों को अलग करने के लिए किया जाता है, समस्थानिकों को अलग करने के लिए गैसों का विसरण नियम किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो विसरण गति होती है हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह भारी होता है, ठीक है। हवा से भारी होता है इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण गति कम होता है हवा के तुलना में। और हवा से हल्का कौन होता है, अमोनिया होता है। वायु से हल्का कौन होता है, अमोनिया गैस होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फैलने में समय लगता है हवा की तुलना में क्योंकि यह भारी होती है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक अभिक्रिया संभव ना हो। गैसों का विसरण वहाँ पर लॉ होगा जहाँ पर रिएक्टिविटी ना हो, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया ना हो, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए तब वहाँ पर गैसों का विसरण नियम करेंगे। गैसों का विसरण नियम क्या है, समस्थानिकों को अलग करने के लिए किया जाता है। किस एरिया में कितना गैस है यानी गैसों का वाष्पन घनत्व पता करने के लिए किया जाता है। ओके, गैसों के समस्थानिकों को पता करने के लिए किया जाता है, गैसों के वास्तविक घनत्व को पता करने के लिए किया जाता है और गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए किया जाता है, ओके। गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए तब वहाँ पर गैसों का विसरण नियम लागू होगा यानी ग्राहम लॉ लागू होगा, ठीक है। ग्राहम लॉ लागू होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर कितना होती है, ऑक्सीजन 1 होगा तो हाइड्रोजन 4 गुना फैलेगा, ऑक्सीजन 1 गुना फैलता है तो हाइड्रोजन 4 गुना फैलता है। ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, देखिए ताप और दाब दोनों ही समान है,
यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को बराबर रखते हैं, तब विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, यानी समान आयतनों में जो आयतन होगा वॉल्यूम होगा किसकी संख्या समान होगी, अणु की होगी। किसकी संख्या समान होगी, अणु की। ये किसका एवोगाड्रो लॉ का आधार, जब ताप और दाब दोनों कांस्टेंट है तब गैसों के समान आयतन में, गैसों के जो समान आयतन है, गैसों का एक वॉल्यूम बनाए हुए हैं आप, कि गैस इसमें भरा हुआ है, ये वॉल्यूम फिक्स हो गया, तब इसमें मॉलिक्यूलर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा समान होगा। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा समान होगा, ये वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स होगा जितना वॉल्यूम है उतना ही क्या होगा, गैस भी होगा, जितना वॉल्यूम है उतना गैस होगा। नंबर ऑफ अणु जो होगा, अणु समान होगा, नंबर ऑफ अणु की संख्या समान होगी, नंबर ऑफ अणु जो होगा समान होगी। गैसों के समीकरण में पी वी बराबर एन आर टी है, आर यहाँ किसको सूचित करता है, तो एक मोल गैस को सूचित करता है, आर जो होता है एक मोल गैस को सूचित करता है, एक मोल गैस को सूचित करता है, आर जो होता है एक मोल गैस को सूचित करता है, एक मोल गैस सूचित करता है, आर जो होता है एक मोल गैस को सूचित करता है, एक मोल को सूचित करता है, आर जो होता है एक मोल को सूचित करता है, एक मोल गैस को सूचित करता है, एक मोल गैस को सूचित करेगा। पी वी बराबर एन आर टी में आर किसको सूचित करेगा, एक मोल गैस को सूचित करता है। कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, देखिए बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गे लुसाक का भी नियम है, फैराडे का नियम नहीं है। फैराडे ने किसकी खोज की थी, बेंजीन की खोज की थी। ओके, तो आपका गैस का नियम ये नहीं है, गे लुसाक नियम लागू होता है गैसों के नियम में। किसी गैस को दबाने पर क्या होता है, आयतन बढ़ेगा, ताप आदाब दोनों बढ़ता है, ताप आदाब दोनों बढ़ेगा। किसी गैस को आप दबाइएगा तो क्या होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। किसी गैस को दबाने से क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। किसी गैस को दबाने से क्या होता है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की संख्या किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। सभी गैसें शून्य आवर्तन प्राप्त करते हैं, आपतन मैंने रीवोकेशन कहलाता है, रीवोकेशन -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सभी गैसें शून्य रीवोकेशन मतलब होता है परम ताप पे। ओके, -273 डिग्री सेल्सियस होगा। शून्य आपतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम क्या हो, -273 डिग्री हो। परम ताप का मान क्या है, परम ताप का मतलब होता है -273 डिग्री। परम ताप का मतलब क्या, तो -273 डिग्री। परम ताप का मतलब क्या होता है, -273 डिग्री। परम ताप का मतलब -273 डिग्री। परम ताप का मान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप है क्या, परम शून्य ताप उसे कहते हैं, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होगा। परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है,
सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होगा। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होगा। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होगा। परम शून्य का ताप का मतलब क्या होगा? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप यानी न्यूनतम संभव ताप होगा, न्यूनतम से न्यूनतम संभव ताप होगा उसे कहते हैं परम ताप, ठीक है, जो -273 डिग्री सेल्सियस तो होता है। ओके, सैद्धांतिक रूप से -273 डिग्री जो न्यूनतम संभव ताप होता है परम शून्य ताप कहलाता है। यही क्या कहलाता है? परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप है -273 डिग्री। परम शून्य ताप -273 डिग्री -273 डिग्री के सेल्सियस ये क्या है? परम शून्य ताप है। निश्चित ताप पर यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तब किसी गैस के दिए हुए प्रेशर का मान उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह बॉयल का नियम कहलाता है। तो गाली आ, आ, आ।